उपमंडल गोहर व उपमंडल जंजैहली की समस्त जनता ने अपनी मांग को लेकर एसडीएम गोहर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन पत्र भेजा, जिसमें मांग की गई कि एमडी मेडिशियन डॉक्टर रोशन लाल की स्थायी नियुक्ति नागरिक चिकित्सालय गोहर में ही की जाए। उपमंडल गोहर व उपमंडल जंजैहली की समस्त जनता ने मांग की है कि नागरिक चिकित्सालय गोहर, जो कि उक्त दोनों उपमंडल की लगभग 50 पंचायतों के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करता है, वह यहां के लोगों को विशेषज्ञ चिकित्सक की सुविधा पाने के लिए मंडी या सुंदरनगर 50 से 100 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए समस्त पंचायतों के प्रतिनिधि व जनता ने मांग की है कि नागरिक चिकित्सालय गोहर जिला मंडी में डॉक्टर रोशन लाल एमडी मेडिसिन, जिन्होंने हाल ही में विशेषज्ञ की उपाधि हासिल की है, उनकी स्थायी नियुक्ति चिकित्सालय में यथावत की जाए। उन्होंने कहा कि अन्यथा मांग न मानने पर जनता आंदोलन पर उतरने के लिए बाध्य होगी। गोहट का चिकित्सालय जो है ये बहुत पुराना और विशेषकर पूरे क्षेत्र की रिप्रेजेंट करता है, और इस पूरे क्षेत्र में और वो सुविधाएँ नहीं है जो कि गोहर में प्रारंभ से मिल रही हैं। और वर्तमान में जो अभी इस डॉक्टर की यहाँ पर की गई है नियुक्ति, इससे पूरे क्षेत्र के अंदर पूरे सब डिविजन में लोगों को सुविधा मिलेगी, और इसके यहाँ से ट्रांसफ़र करने पर और अल्पावधि में ही ट्रांसफ़र करने से लोगों में काफ़ी शोक उपजाप्त है, जबकि लोगों ने इससे बहुत ज़्यादा राहत महसूस की थी कि आज के बाद उनको उन मंडी या सुंदरनगर या अन्य जगह जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अतः हमारी सबकी एक ही प्रार्थना है सरकार से कि इस डॉक्टर की नियुक्ति जो है इसको स्थायी किया जाए और उसके स्थानांतरण को तत्काल रद्द किया जाए। डॉक्टर जो रोशन जी यहाँ से स्थानांतरित किए गए हैं, इनका जो नियुक्ति जो रद्द किया जाए, उनकी जो है स्थानांतरण रद्द किया जाए। लोगों में यहाँ काफ़ी रोष व्यक्त किया है कि यहाँ से इनका स्थानांतर नहीं होना चाहिए। व्यापार मंडल गोहर होने के नाते और समस्त जनता की तरफ से राजा साहब से और ठाकुर कौल सिंह से प्रार्थना करता हूँ कि डॉक्टर रोशन के जो कि ऑर्डर यहाँ से कहीं और कर दिए गए हैं, उनको परमानेंट गोहर के लिए किए जाएँ। अगर ऐसा ना हुआ तो स्थानीय जनता अपना आंदोलन शुरू कर देगी, और आंदोलन का प्रथम चरण रहेगा हमारा चक्का जाम, जो हम कार्यालय घोर बस से ही स्टार्ट करेंगे। गौरतलब है कि हाल ही में उक्त विशेषज्ञ चिकित्सक की नियुक्ति नागरिक अस्पताल गोहर में की गई थी, जिससे कि आम जनता को काफी राहत प्राप्त हुई थी और सरकार के प्रति आम जनता कृतज्ञ थी, परंतु उनकी तत्काल स्थानांतरण के कारण आम जनता में रोष व्याप्त है। के चैनल के लिए गोहर से संजीव कुमार की रिपोर्ट।